जो जो इंसान ने तरक्की की, जराए आमदोरफ्त में भी हैरान कुन तरक्की होती चली गई। जदीद तरीन पुर आसाइश जराए आमदोरफ्त की मौजूदगी के बावजूद रेल का सफर आज भी रोमान परवर समझा जाता है। जिसमें कई तरह की दिलचस्पियां और कशिश आज भी मौजूद है। निस्फ सदी पेशतर या उससे पहले रेलवे ही काबिले रसाई और काबिले भरोसा मकबूल तरीन जरिया आमदोरफ्त था। रेलवे की बदतरीज तरक्की ने मुख्तलिफ अदवार में जिद्दत पसंदी की रविश इख्तियार की। आज से 100 साल पहले के रेलवे की याददाश्तें खुशगवार हैरतों में मुब्तला कर देती हैं। इस्लामाबाद के मुजाफात में पहाड़ों के दामन में बसा गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन 1881 में कायम हुआ, जिसे 1912 में जंक्शन के तौर पर अपग्रेड कर दिया गया। यह था तो इर्द गिर्द की आबादी के लिए रेलवे स्टॉप, लेकिन इसकी बरतानवी तर्ज तामीर की हामिल दिलकश इमारत, इर्द गिर्द के हसीन नजारे और पुरसुकून माहौल इसे एक यादगार तफरीगाह के तौर पर भी मुनफरिद बना देते हैं। बरगद के घने दरख्तों, पहाड़ों के साए में आबाद ये रेलवे स्टेशन आज रेलवे के नवादरात और शानदार माजी के अक्कास म्यूजियम की वजह से ज्यादा वजाय शोहरत रखता है। विक्टोरियन तर्ज की छोटी सी इमारत, पुरसुकून माहौल और जाज़िबे नजर मनाजिर, ये सभी मिलकर इस स्टेशन को सहर अंगेज खूबसूरती का हामिल बनाते हैं। रेलवे स्टेशन पर खड़े स्टीम इंजन, लोकोमोटिव ट्रेनें और अहम शख्सियात के जेर इस्तेमाल रहने वाले सैलून्स के अलावा बरतानवी दौर में इस्तेमाल होने वाला लिफ्टर इस स्टेशन को रेलवे स्टॉप से ज्यादा हेरिटेज म्यूजियम साबित करते हैं, और यही इसकी असल वजह शोहरत है। रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक कदीम तरीन ट्रेन खुसूसी तवज्जो की हामिल है, जिसके ना तो दरवाजे हैं ना छत, उस पर लकड़ी से बने बेंचेस देखने को मिलते हैं। इस ट्रेन के मुतालिक बताया जाता है कि इस ट्रेन को इंजन की बजाय रेलवे ट्रैक पर घोड़े खींचा करते थे। रेलवे के शानदार माजी की याददाश्तों को महफूज करने के लिए 1861 से लेकर अब तक बर्र सगीर में रेलवे की बतदरीज तरक्की, रेलवे से मुतालिक अशिया, मुख्तलिफ औजार और नादिर साजो सामान इकट्ठा करके सन 2003 में यह म्यूजियम बनाया गया, जिसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा सन 2003 में कायम हुआ, जबकि दूसरा हिस्सा सन 2018 में कायम किया गया। पहले हिस्से में पहिए की तारीख, उसकी बदतरीज तरक्की के अदवार और उसकी अफादियत को तफसील से बयान किया गया है। यहाँ कुली के रिवायती किरदार को भी
बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स मरम्मत करने के औजार, मुख्तलिफ किस्म की लाइनें, रेलवे अमले के बैजेस, स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाली अशिया, दफातर की बेल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इंजीनियरिंग टूल्स, रेलवे अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले निस्फ सदी पेशतर और इससे पहले के आलाते जर्राही, रेलवे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया और औजार, उस दौर में रेलवे स्टेशन से गाड़ियों और दीगर जगहों पर प्राप्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन और दीगर अशिया रेलवे के शानदार माजी की याद दिलाते हैं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद चाय के ढाबे को भी खूबसूरती से दिखाया गया है। म्यूजियम के दूसरे हिस्से में पाक भारत जंग के दौरान फतह किए गए इलाके खेमकरन के रेलवे स्टेशन का साजो सामान भी नुमाइश के लिए रखा गया है। यहां मुख्तलिफ स्टेशनों की मुख्तलिफ अदवार की नायाब तस्वीरें और कयाम पाकिस्तान के वक्त मुहाजरीन के लिए रेलवे की खिदमात के हवाले से तस्वीर माजी की यादें ताजा करती हैं। यहां आपको एक तारीखी चाबी भी देखने को मिलती है जिसे पाक फौज के मेजर एसएम रफी ने बुलवाइयों से बचने के लिए ट्रेन के डब्बे लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया और मुहाजरीन को बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाया था। रेलवे म्यूजियम में रेलवे पुलिस के जेर इस्तेमाल रहने वाला असलहा, और एक नायाब हीटर भी रखा गया है जिसे बतौर चूल्हा भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक कमरा रेलवे स्टेशन्स पर मौजूद इंतजारगाह की अक्कासी करता है जिसमें नादिर फर्नीचर और अशिया नफासत व महारत की अक्कास है। यहां रखी गई रेलवे से मुतालिक नादिर अशिया न सिर्फ सयाहों के लिए कशिश की हामिल हैं, बल्कि उन अदवार की मुआशरत और तहजीब की भी अक्कास है। गोलड़ा रेलवे म्यूजियम में जहां पुराने रेल इंजन रखे गए हैं, वहीं पुरानी मुसाफिर कोचेस के अलावा पोस्टल वैन भी मौजूद है जिसके जरिए अवामी डाक एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाई जाती थी। ये कोचेस, इंजन और सैलोन बच्चों के साथ साथ बड़ों की तवज्जो का मरकज है। रेलवे म्यूजियम में वो सैलोन भी नुमाइश के लिए रखा गया है
जिसमें हिंदोपाक के आखिरी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सफर किया। इसी सैलून को बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जना भी इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ JR5 सैलून भी तवज्जो का हामिल है, जो महाराजा जोधपुर ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर बतौर तोहफा दी थी। गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर आती जाती ट्रेनों को देखना भी किसी पुरलुत्फ नजारे से कम नहीं। गोलड़ा रेलवे म्यूजियम तो शोहरत का हामिल है ही, खुद गोलड़ा रेलवे स्टेशन की तारीखी इमारत भी इसे सैयाहों के लिए काबिले कशिश बनाते हैं। ये रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे और बर्रे सगीर में रेलवे के मुख्तलिफ अदवार का अक्कास एक नायाब खजाना है, जिसे महफूज करके आने वाली नस्लों को माजी से रोशनास करवाने की काबिले कदर कोशिश की गई है।